समझता हूँ इसके बाद किसी प्रकार के कोई उदाहरण की जरूरत नहीं कि हरीश रावत जी की सरकार भ्रष्ट सरकार है। हरीश रावत जी सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं। वे कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अधिकारियों से रिश्वत ले सकते हैं, अधिकारियों को रिश्वत दे सकते हैं, विधायकों अपनी पार्टी के विधायकों को वह खरीद रहे हैं। मतलब इससे बड़ी और प्रजातंत्र की हत्या का उदाहरण नहीं हो सकता किसी व्यक्ति को अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने दल के विधायक को पैसे देना पड़े। इसका मतलब है कि उन्होंने गलतियां की, तो ये तो निश्चित रूप से न्यायपालिका भी देख रही होगी कि किस प्रकार स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से वो लोग विधायकों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है वह किस प्रकार उसका पालन होगा, इसके ऊपर मेरा ख्याल है न्यायपालिका का भी ध्यान जाएगा।